Assalamu alaikum dear students, in this recorded lecture I am going to start a new chapter and the name of the chapter is Advanced Features of Excel. We have already learned in the previous chapter how to create a sheet, an Excel sheet, and to start the explanation of this chapter I am going to start the Excel program. This is Microsoft Excel. Let me start it. So this is the interface of Microsoft Excel program, and in this chapter we are going to discuss some advanced features of Microsoft Excel. There are certain facilities that are available in Microsoft Excel program, such as autofill feature or flash fill feature. There is also a type that is known as sorting of data. This sorting of data is basically something like, once we enter some data in our sheet, we can change how it appears, and this is known as sorting of data. We can also filter data. That selectively blocks the data we don't want to see. There's also an option that is known as conditional formatting. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. Initially I am going to start autofill. For example, if I am going to start the number of the name of the days in my. Now what I am going to do is, I am just writing down the name of a day here, that is Sunday. Okay? You can see a mark here. I just go there and I click on it and I just drag it here. So you see that here all the days will fill. Okay? Look at this. This whole Saturday will fill. इसी तरह अगर मैं इसको और ड्रैग करूँ तो ये और आगे तक डेज फिल होने चलेंगे. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज नोन एज ऑटोफिल ऑप्शन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँ 45 और मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँ कि यहाँ पर पूरा 45 ऑटोफिल हो गया. ठीक है, अच्छा, देयर इज अनदर ऑप्शन कि ये तो मैंने लिस्ट बना दी है और ये ऑटोफिल की लिस्ट है. ठीक है, देयर इज अनदर ऑप्शन. अच्छा, यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आ रहा है, दैट इज ऑटोफिल ऑप्शंस. अब जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखो, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग. जब मैं क्लिक करूँ तो ये पूरा जो है वो सारे इसके ऑप्शन आ जाते हैं. ठीक है, सारे यहाँ पर इसके ऑप्शन आ जाएंगे. इसमें मैं जो सभी ऑप्शंस चाहूँ मैं वो सेलेक्ट कर सकूँगी. इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज नोन एज ऑटोफिल ऑप्शन. देयर इज अनदर ऑप्शन दैट इज नोन एज कस्टम लिस्ट. अच्छा, ऑटोफिल के लिए देयर आर सर्टन टर्म्स, देयर आर सर्टन ऑप्शंस जिसको हम पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके एक्शंस क्या हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी सेल्स, तो ये क्या करता है, ये जितना भी कंटेंट है इसको कॉपी कर लेता है. सिलेक्टेड सेल का कंटेंट जो है वो नीचे भी कॉपी कर लेता है. जैसे आप देखो, इसमें सारा 45 इसने सेलेक्ट करके नीचे कॉपी कर दिया. इसी तरह है फिल सीरीज. अब ये फिल जो है वो कर देता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, इसने पूरा फिल कर दिया. दैट नेक्स्ट इज फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ये जो है वो कॉपी कर देता है, जो भी फॉर्मेट करके जो आपने कॉपी किया ना उसको कॉपी कर देगा. ठीक है, इसके बाद है फिल डेज और फिल वीक डेज. ये हमारे पास फिल डेज वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, कि ये डेज इसने यहाँ पे फिल कर दिए. इसी तरह है फ्लैश फिल.
फ्लैश फिल जो है वो पैटर्न पे फिलिंग फिल कर देते हैं, यानी जो एक वर्कशीट का डेटा का जो पैटर्न चल रहा होता है ना उस पर फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने 1 लिखा, उसके बाद 2 नहीं लिखा, 3 लिखा, फिर 4 नहीं लिखा, 5 लिखा, यानी ऑड नंबर की पूरी सीरीज चल रही है, तो वो फ्लैश फिल कर देगा कि वो नेक्स्ट उसके आगे से फिर ऑड नंबर्स ही की सीरीज ऐड करेगा। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट इज कस्टम लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे फिल करने हैं, यहाँ पर मैंने फिल किया है वो सारे सीजन्स जो पाकिस्तान में होते हैं वो मुझे फिल करने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया स्प्रिंग। अच्छा, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो फाइल टैब में यहाँ पर हमारे पास आ रहे होंगे ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में जाने के बाद मैं चले जाऊंगी एडवांस्ड। ठीक है, और यहाँ एडवांस्ड पर मेरे पास आएगी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे जनरल पर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई जनरल वाली, यहाँ पर जनरल लिखा है। जनरल में लिखने के बाद यहाँ पर मैं कर दूँगी एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, ये जब मैंने एडिट कस्टम लिस्ट देखी तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ रही है, जैसे जनवरी, फरवरी, जैन, फेब, संडे, मंडे। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो न्यू लिस्ट भी ऐड कर सकती हूँ या कोई नई लिस्ट इम्पोर्ट भी करा सकती हूँ, यहाँ से इम्पोर्ट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट एंट्री कर दी है। ठीक है, स्प्रिंग देखो यहाँ पर ये लिस्ट ऐड हो गई है। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, ठीक है, मैं जब यहाँ स्प्रिंग पे जाऊँगी और यहाँ से मैं ड्रैग करूँगी तो ऑल दो पहले ऐसा नहीं आ रहा था, पहले मैं इसको ड्रैग कर रही थी तो ये नेम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इसने और फिल कर दिया। ऑटो फिल में स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर ये भी आ गया। तो दिस लिस्ट इज नोन एज कस्टम लिस्ट। ठीक है, इसी तरह इस लिस्ट में हम डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स भी ऐड करा सकते हैं, स्टूडेंट नेम भी ऐड करा सकते हैं, सारा कुछ हम ऐड करा सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज कस्टम लिस्ट। और कस्टम लिस्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कस्टम लिस्ट मैंने ऐड की है इसको मैं चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट भी कर सकती हूँ, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, ऑलराइट, इसको मैं ओके करूँगी तो ये यहाँ से लिस्ट डिलीट हो गई।